नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिफरेंशियल एक्सल रियर डिफरेंशियल एक्सल में ऑयल टॉप अप किस तरह से किया जाए, ऑयल टॉप अप या रिप्लेसमेंट कैसे किया जाए वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले ये वाला जो प्लग जो है मैं बताता हूँ। ये रियर डिफरेंशियल है, रियर डिफरेंशियल मारुति जिप्सी का, उसमें ये वाला जो प्लग है ये प्लग मैं रिमूव करूंगा। उसमें स्क्वायर टाइप एलन की लगेगी, एलन की से मैं ये वाला प्लग रिमूव करूंगा। ये प्लग मैंने ऑलरेडी लूज कर दिया है, ये एलन की से मैंने लूज कर दिया है। ये ओपन कर लूंगा। ये ओपन करने के बाद ये प्लग, चलिए ये प्लग जो है वो रिमूव हो गया है। ये वाला एक और एक प्लग रहता है, ये बॉटम साइड पे रहता है, ये वाला, तो इससे ऑयल ड्रेन कर देना होता है। ऑलरेडी मैंने ये ओपन करके ड्रेन कर दिया है, ये वाला प्लग ओपन करके ऑयल ड्रेन करके मैंने फिर से टाइट कर लिया है। इसमें भी स्क्वायर एलन की ही लगती है। तो अभी टॉप अप करने वाला जो होल है वो यहाँ तक है। अभी मुझे ऑयल फिल जो करना है वो डिफरेंशियल के ये जो जहाँ से मैं ऑयल टॉप अप कर रहा हूँ वो टॉप अप कर रहा हूँ वहाँ तक ऑयल लेना है, यहाँ तक मुझे ऑयल लेवल भरना है। अभी उसके लिए रिकमेंडेशन जो है वो मैं जो ऑनर्स मैनुअल जो रहता है वो बुकलेट में मैं देखूंगा कि क्या क्वांटिटी लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी यहाँ तक हम ऑयल टॉप अप करें, उसके लिए एक मैंने अरेंजमेंट बनाई हुई है, वो अरेंजमेंट यूज़ करेंगे। इसको ये वाला ये पाइप को इस होल में मैं ऐसे डाल दूंगा, ऐसे मुझे उसमें इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करके जो दूसरा वाला एंड है वो मैंने फनेल के साथ कनेक्टेड रखा हुआ है, फनेल के साथ कनेक्टेड है दूसरा वाला एंड। ये जो है मिट्टी में मुझे पाइप डाल देने देता हूँ। इस तरह से पाइप मैंने इंसर्ट कर दी है, ऐसे पाइप अंदर इंसर्ट हो गई है। अभी जो पाइप का दूसरा एंड है वो मैंने इस तरह से फनेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये रहा, ये फनेल के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अभी यहाँ से हम पाइप डालेंगे फनेल से, ताकि ये पाइप के थ्रू इसमें चला जाएगा और ऑयल वहाँ तक डालना है जहाँ तक ये वाला जो ऑयल टॉप ऑफ प्लग है वहाँ तक ऑयल यहाँ तक भरना है, वहाँ ये लेवल लेना है। दोस्तों, ये वाला जो है टेक्नो का गियर ऑयल है, EP90 नंबर का ऑयल इसमें पड़ता है। ये API ग्रेड का ही है, ये 500 ml है। मुझे इसमें जो ऑयल डालना है वो मैं 500 ml अभी डाल दूंगा और वहाँ पे लेवल चेक करूँगा, लेवल जितना आएगा वहाँ तक मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगा। और ये EP90 गियर ऑयल है, तो ये मुझे 90 rupees में मिला है, ये 500 ml ऑयल है। चलिए मैं इसमें टॉप अप करूँगा ये फनेल के थ्रू। टॉप ऑफ कर रहा हूँ, ले लेंगे सुन ले अंदर से सूटिंग करे दिखेगा, ऐसा डाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, बोल दे। ऑयल मैंने इसमें टॉप अप कर दिया है, अब मैं इसको प्लग लगा दूंगा। ये प्लग जो है वो मुझे यहाँ पे टाइट कर देना है, उसको लूज नहीं रखना है। वो मेरे पास जो स्क्वायर एलन की है उससे इस प्लग को मैं टाइट कर दूंगा। इस तरह से थोड़ा और टाइट कर देंगे इसको। ये जो है ये वाला प्लग, इसको मैंने ये फुल टाइट कर दिया है, ये वाली एलन की से, ये वाली एलन की से ये प्लग को फुल टाइट कर दिया है। ठीक है जी दोस्तों, मेरे पास ये ऑनर्स मैनुअल है, ऑनर्स मैनुअल के अंदर में इसकी जो रेकमेंडेड क्वांटिटी है वो दिखाई गई है। ये मारुति जिप्सी की ऑनर मैनुअल है, जो सर्विसिंग मैनुअल वो है। इसके लास्ट पेज पे इसमें जो दिखाया गया है लास्ट पेज के अंदर में, वो रेकमेंडेड क्वांटिटी जो है डिफरेंशियल ऑयल रियर के पास 2.5 liter लिखा है, EP90 API गियर ऑयल। वो आप सेल का, गल्फ का, या ये मैंने टेक्नो का यूज़ किया है, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। 1.5 liter उसका कैपेसिटी है, लेकिन हमें वो क्वांटिटी के लिए उसको अपना ये क्वांटिटी के लिए उसको डिफरेंशियल का जो लेवल
प्लग का जहाँ से हमने ऑयल टॉपअप किया वहाँ तक का हमें उसको टॉपअप करना है। दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा जानकारी मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।